स्वीडन जा रहे हैं। कल हम लोग स्टॉकहोम पहुंचेंगे अगली सुबह। ओह वाओ, ओवरनाइट वाले क्रूज है, वो भी बाइक। स्वीडन और बिल्कुल टाइम पर पहुंचे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको ना हेलसिंकी टू तालिन की एक जर्नी दिखाई थी, जिसमें हमें पता ही नहीं था, हम ट्राम भी गलत पकड़ ली थी और हम लेट हो गए थे, लेकिन आज हम एकदम टाइम पे पहुंचे हैं। जब आप हेलसिंकी से स्टॉकहोम के लिए जाते हैं क्रूज से, तो ये शाम का क्रूज होता है और इस समय बजे है 5:30 बजे, मतलब तक बोर्डिंग होती है। आधा घंटा पहले एक्चुअली बोर्डिंग करनी होती है। लास्ट टाइम ऐसे ही हो गया था, हमारा मिस हो गया था। हम खड़े हैं वाइकिंग लाइन पर, क्योंकि हमने लिया है वाइकिंग लाइन सिंड्रेला और वो खड़ा हमारा क्रूज। और आज की खास बात ये होने वाली है कि हम ओवरनाइट जर्नी करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारा रूम बुक है और वो सब दिखाएंगे आपको। और पूरे 16 घंटे में हम पहुँचेंगे स्वीडन। तो चले अंदर, तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है, आप लोग अगर एक्साइटेड है तो चलिए अंदर चलते हैं और जल्दी से बोर्डिंग करते हैं। अगर आपने ऑनलाइन टिकट्स बुक किए हैं तो आपको यहाँ काउंटर पर अपना वो मैसेज और साथ में पासपोर्ट दिखाने होंगे और आप ये बोर्डिंग पास कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो बोर्डिंग पास है, ये आपके केबिन के कीज भी हैं और ये आपको काफ़ी संभाल के रखने होंगे, क्योंकि ये जो टिकट्स हैं ये रिटर्न जर्नी में भी आपको काम आएंगे। जो क्रूज है ये 6 बजे चलेगा हेलसिंकी से और स्टॉकहोम पहुंचेगा सुबह 10 बजे। और इन 16 घंटों में क्रूज में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, कैसे आप अपना टाइम पास करेंगे, सब दिखाएंगे। और अभी तो बोर्डिंग शुरू हो गई है, तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं सबसे पहले जो केबिन हमें मिला है यहाँ पर वो कैसा है। और हम अपने रूम देखने वाले हैं, तो हमारा रूम नंबर है 6567 अभियान 17 है वो, मतलब 6567। चलो आगे चलो 6567। पहुंच गए हम अपने केबिन के पास और ये केबिन में चेक इन जो होता है वो आपके बोर्डिंग टिकट से ही होता है, इस तरीके से जैसे हमने किया। यस, कितना छोटा सा रूम है। ये है हमारा क्यूट सा कॉम्पैक्ट सा केबिन। और ये जो केबिन है ये 4 पर्सन के लिए होता है और इसमें प्रॉपर बेडिंग दी है। और आप जो बेड देखते हैं उसका विड्थ भी जो है वो काफ़ी अच्छी है और पिल्लो प्रॉपर दिए हुए हैं, बेडिंग दी है, ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट दिया हुआ है, हैंड टॉवल दिया है यहाँ पर और साथ में यहाँ पर बाथिंग टॉवल भी दिया हुआ है। ऊपर जाने के लिए जो ऊपर की बर्थ है उस पर चढ़ने के लिए आपको छोटा सा स्टेयरकेस दिया है, जिस पर चढ़कर आप ऊपर वाली बर्थ पे जा सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर टीवी लगा हुआ है, प्रॉपर रिमोट दिया गया है आपको और ये एक प्रॉपर एसी केबिन है। इस केबिन में एक छोटा सा स्पीकर भी लगा हुआ है कि अगर क्रूज में बाहर क्या अनाउंसमेंट हो रही है वो भी आपको पता चलती रहे। काफ़ी सारे प्लग पॉइंट्स दिए हैं जहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं अपने फ़ोन को। यहाँ पर फायर अलार्म लगा है सेफ्टी के लिए और आपके मेकअप के लिए छोटा सा एक ड्रेसिंग टेबल भी दिया है, जिसमें अच्छा सा मिरर लगा है और साथ में नीचे बैठने के लिए एक स्टूल भी दिया हुआ है। हैंगर लगे हैं, आप अपने कपड़े टांग सकते हैं। एक फ़ोन रखा है यहाँ पर, जहाँ पर आप रिसेप्शन पे अगर आपको फ़ोन करना हो तो आप कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ का जो टॉयलेट है और बाथरूम है वो कैसा है। तो बाथरूम भी काफ़ी कॉम्पैक्ट और बहुत ही क्लीन है। बाथिंग एरिया है उसे सेपरेट किया गया है एक कर्टेन के थ्रू। यहाँ पर शावर जेल लगा हुआ है और आपका जो शावर है वो लगा हुआ है। टॉयलेट सीट कॉम्पैक्ट सी है, साथ में जेट स्प्रे है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। टिश्यू पेपर लगे हैं। वॉश बेसिन में आपको ग्लासेस दिए गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि फिनलैंड का जो पानी है वो एकदम साफ होता है, तो आप वॉश बेसिन से ही पी सकते हैं। कि केबिन कैसे होते हैं ये तो आपने देख लिए, अब इसकी पूरी कॉस्टिंग हमें कितनी पड़ी केबिन की और साथ में टिकट्स की, ये हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में। लेकिन अभी चलते हैं बाहर, क्योंकि बाहर होने वाले हैं काफ़ी सारे प्रोग्राम्स, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए गेम्स भी होने वाले हैं और यहाँ पर अभियान भी रेडी हो गया है। तो चलते हैं बाहर। Nos decidimos que
बच्चों का कुछ गेम शो चल रहा था जिसमें अव्यान ने पार्टिसिपेट किया, तो उसको काफ़ी मज़ा आया। और यहाँ पर मैंने भी अपने लिए कुछ टिकट्स खरीद लिए गेम के, और मैंने भी खूब मज़े से गेम खेले। तो ओवरनाइट क्रूज में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ चलता रहता है। रात के 12 एक बजे तक भी बहुत सारे शोज चल रहे थे, डांसिंग शो, म्यूजिकल शो और डिस्क वगैरह भी थे, काफ़ी सारे आप इंजॉय कर सकते हैं। हम आ गए थे डेक पर क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था, तो हम आ गए थे ऊपर। और टाइम कितना हो रहा है रुचि का? टाइम हो रहा है अपनी उस वाली क्लॉक में देखो, ये 10:15 हो रहे हैं। 10:15 हो रहे हैं, 10:10 बज रहे हैं रात के, और ये नजारा है। और अच्छा ये भी टॉप नहीं है, टॉप बताओ कि टॉप वो है? तो वो है ऊपर, ये तो हम कौन से फ्लोर पे हैं अभी? 9th पे हैं, इसके ऊपर 11th है वो। और चलो उधर चल के देखते हैं। ओह माय गॉड कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब ब्लैक, आई कांट बिलीव, मतलब ये कितना खूबसूरत है, आई कांट टेल यू। आसमान जितना खूबसूरत दिख रहा था, समुद्र उतना ही ज़्यादा स्केरी लग रहा था। बीचों बीच समुद्र के ये क्रूज चल रहा था और देखने में ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी। तो क्रूज़ में इंजॉय करते करते टाइम का पता ही नहीं चला और रात के 12 बज गए। और आज था अंकुश का बर्थडे, तो हमने सोचा कि इसी में सेलिब्रेट किया जाए। मैं घर से बलून और ये सब चीज़ें और केक बना के लाई थी, तो यहाँ पर हमने केक काटा और अंकुश का बर्थडे सेलिब्रेट किया। खाने टाइम में खाने में क्या रुचिगा? खाने में आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी और बहुत सारा अचार। एक खाने के बाद हमने खाया घर का बना खाना जो कि मैं लेकर आई थी, और उसके बाद हम चैन से बहुत अच्छी नींद लेकर सो गए। सुबह हो गई थी और रात में काफ़ी अच्छी नींद आई। सुबह हम चाय कॉफ़ी पीने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए, और यहाँ पर आप अपना ब्रेकफास्ट और डिनर बुफे, हम लोगों ने यहाँ पर चाय पी और थोड़ा सा स्नैक्स खाया। ये था प्ले एरिया, जहाँ पर काफ़ी बड़ा प्ले एरिया था, जहाँ पर अभियान थोड़ी देर खेला, और उसके बाद हम इसे ले गए गेमिंग रूम में। यहाँ के प्ले स्टेशन रूम जहाँ पर आप गेम खेल सकते हैं। कुछ प्ले स्टेशन रूम जो हैं वो फ्री ऑफ चार्ज हैं, जहाँ पर आप कुछ लिमिटेड टाइम के लिए खेल सकते हैं। कुछ कहीं कहीं पर आपको पे करना पड़ता है, जैसे ये जो मिनी गोल्फ रूम है, यहाँ पर आपको पे करके आना होगा और उसमें कुछ लिमिटेड टाइम है, और जैसे 10 यूरो या 5 यूरो आपको पे करने पड़ते हैं, आप 15 मिनट्स के लिए खेल सकते हैं। यहाँ पर ना इस तरह के काफ़ी सारे ये गेम्स बने हैं जो बच्चे खेल सकते हैं। ये देखिए, जैसे 5 यूरो इसमें आप लगाइए अपना कार्ड, 5 यूरो कट जाएंगे और गेम खेल सकते हैं। यहाँ पर ये गेमिंग रूम है ये बच्चों के लिए, तो आइए इसमें भी चलते हैं, एक बार दिखा देते हैं। सो ये हो गया यहाँ का गेमिंग रूम। हम आ गए थे टैक्स फ्री शॉप में, यहाँ से आप ब्रांडेड चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं खरीदा। हम आ गए टॉप डेक पर, यहाँ से ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और अब हम बस पहुँचने ही वाले हैं स्टॉकहोम। ऐसा लग रहा है जैसे घर चल रहा है। इधर आओ डिनर। फाइनली हम पहुंच गए हैं स्टॉकहोम, और अभी बजे हैं 10। हमें इसी क्रूज में वापस आना है 3:30 बजे तक, तो कुछ टाइम है हमारे पास स्टॉकहोम में घूमने के लिए। आप अपना सारा लगेज अपने केबिन में छोड़ सकते हैं, बिल्कुल सेफली रहेगा वहाँ पर। आप अपने जो टिकट्स हैं उन्हें संभाल के रखें, क्योंकि वही यूज़ होंगे दोबारा आने में। यहाँ पर जब आप स्टॉकहोम पोर्ट पर पहुँचते हैं, यहाँ से आप टैक्सी कर सकते हैं ओल्ड मार्केट जाने के लिए स्टॉकहोम की, और साथ में आप बस भी ले सकते हैं, बस के टिकट भी बुक कर सकते हैं। हमने यहाँ से टैक्सी ले ली है, टैक्सी के लिए हमने बार्गेनिंग की तो हमें पड़े 20 यूरोज़। अब हम जा रहे हैं गमला स्थान ओल्ड मार्केट।
तो गमलास्तान जाने से पहले हमें ये लिफ्ट जाती हुई दिखी, तो किसी अंकल ने हमें बताया कि यहाँ से टॉप व्यू दिखता है स्टॉकहोम का, तो इससे जरूर ट्राई करें, तो हम वही लेने के लिए जा रहे हैं। ओके। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप मिस ना करना आना। यहाँ से आपको पूरा स्टॉकहोम का एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा मिलेगा, जो कि ये है हमारे सामने। रियली अमेजिंग। ऊपर से तो काफी खूबसूरत नजारा दिख रहा था सिटी का, अब हम आ गए नीचे। ये सामने है हॉप एंड हॉप बस, इसको भी आप ले सकते हैं, ये आपको सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो दिखा देती हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास टाइम ज्यादा होना चाहिए, हमारे पास कुछ लिमिटेड आवर्स हैं, तो हम यहाँ से पहुँच रहे हैं गमलास्तान, जो कि है स्टॉकहोम की ओल्ड मार्केट। सो तो स्टॉकहोम ना मुझे हेलसिंकी जैसा ही लग रहा है, एकदम सिमिलर लग रहा है। और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी आप अपना फिनलैंड वाला ही यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो करेंसी यहाँ की डिफरेंट है, लेकिन फिर भी आप सेम कार्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और अब हम आ गए थे एक शॉप में जहाँ से हम ले रहे थे अपने फ्रिज के लिए मैग्नेट्स। पहुँच गए हैं गमलास्तान, स्टॉकहोम की मोस्ट फेमस लोकेशन पर, और ये ओल्ड मार्केट के नाम से भी फेमस है। यहाँ का आर्किटेक्ट हो, फूड हो, या यहाँ की नैरो स्ट्रीट्स हो, सभी कुछ काफ़ी यूनिक है। और यहाँ पर आप स्टॉकहोम में काफ़ी सारी चीज़ें घूम सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए यहाँ की ओल्ड मार्केट। ये आइसक्रीम शॉप काफ़ी फैंसी है और काफ़ी फेमस है यहाँ पर, तो हम आ गए यहाँ पर आइसक्रीम खाने के लिए। क्या दिन रुचिका, कौन सा ट्राई किया तुमने? पैशन फ्रूट। और दोनों तुमने कौन सी ली थी? वाटरमेलन। कैसी थी? ऑसम। गमलास्तान की ओल्ड चर्च जिसमें हम अंदर गए, और यहाँ पर ना काफ़ी क्राउड था क्योंकि समर्स हैं, तो काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। मुझे तो इवन क्राउड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि गमलास्तान अपने आप में एक अच्छी जगह है घूमने के लिए, जहाँ पर आपके 4-5 घंटे कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा हम कहीं और जा पाएंगे, क्योंकि हमें 5 घंटे में वापस जाना है अपने क्रूज़ पर। तो यहाँ पर एक शॉप है बेन जेरी करके, जो कि बबल वॉफल बनाते हैं, और ये काफ़ी फेमस है यहाँ पर। तो हमने सोचा कि अंदर जाते हैं और यहाँ का मोस्ट फेमस बबल वॉफल खाते हैं। तो अगर आप इंडियन खाना खाना चाहते हैं गमलास्तान में आकर, तो वो तो यहाँ पर नहीं मिला हमें। यहाँ से 2 किलोमीटर पर इंडियन रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा था, लेकिन 2 किलोमीटर पैदल जाना बहुत टफ था, तो हम नहीं गए। हमने सोचा यहीं पर हम कुछ और ऑप्शन तलाशते हैं, जो कि वेज ऑप्शन हो, लेकिन वो भी हमें नहीं मिले। हमने काफ़ी सारे रेस्टोरेंट में पता किया, और फाइनली फिर हमें जाके पिज़्ज़ा मिला, तो हमने सोचा चलो पिज़्ज़ा ही खा लिया जाए। पछता रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? बहुत खूबसूरत पिज़्ज़ा आया, देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन देखने में भी नहीं लग रहा है एक्चुअली। मुझे तो देख रहे हो, ये एक सैलेड का पत्ता रखा है, बाकी कुछ नहीं है, कोई वेजिटेबल नहीं डाली है, बस बीच में थोड़ा सा डाला है, बस ये पिज़्ज़ा आया है। और कितने का है?
24 यूरो का। So, कितना टाइम हो गया? टाइम हो गया है रुचिका, इसमें सवा दो बज गए और 3 बजे हमें पहुंचना है ना, क्योंकि 3:30 बजे बोर्डिंग बंद हो जाएगी। तो बस यहाँ घूम लिए जितना घूमना था और अभियान को सब चीज़ें अच्छी लगी, बस एक चीज़ में मात खा गए, अपना चटपटा फूड खाना नहीं मिला। और जो पिज्ज़ा भी खाया था वो भी आपको दिखाया कि कैसा था। पैसे खर्च किए लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है वाली बात, ये हमेशा, ये केवल इस बार की भी बात नहीं रुचिका, ये तो हमेशा ही रहता है। सही बात है। गमला स्थान मुझे काफ़ी हैपनिंग प्लेस लगा और 2-3-4 घंटे बहुत कम है गमला स्थान को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट हैं यहाँ पर, काफ़ी सारी स्ट्रीट्स हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे पास टाइम थोड़ा कम था तो हमें तो अभी क्योंकि वापस से क्रूज़ को बोर्ड करना है, लेकिन अगर आप स्टॉकहोम आ रहे हैं कम से कम आप 2 दिन की ट्रिप बनाइए ताकि आप यहाँ पर काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकें, गमला स्थान घूम सकें, वासा म्यूज़ियम घूम सकें, साथ में यहाँ का रॉयल प्लेस देख सकें और यहाँ का किंग्स गार्डन देख सकें। तो हो गए 4 घंटे तो 4-5 घंटे बीत गए और वहाँ हमारी वाइकिंग लाइन जो हमारा क्रूज़ है वहाँ खड़ा है और उसी को लेना है अब। लेकिन ये एक अच्छी ट्रिप रही, मतलब आप सेम क्रूज़ से आओ, सेम क्रूज़ से जाओ, और जो हम लगेज लेके आए थे वो भी हमने अपने रूम पे ही छोड़ दिया था। हाँ, और ये गमला स्थान जो मार्केट है, ये मतलब ओल्ड मार्केट है, वो यहीं पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर पे है। और वहाँ पर अभी हम गए थे, हमने आपको दिखाया है ना, वो जो टॉप पर जहाँ से आपको पूरा स्टॉकहोम जो है वो ऊपर से दिखाई देगा, तो वो बहुत अच्छा व्यू था वहाँ से। और वहाँ पर टेम्परेचर भी आ रहा है, इस समय 22 डिग्री हो रहा है, तो सब अच्छा रहा। और ये जो नज़ारा है ये ऐसे ही सेम हेलसिंकी में भी हमें मिलता है, तो यहाँ पर बैठने का कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है स्टॉकहोम और यहाँ पर। तो अच्छी चीज़ ये है कि जब आप सेम मतलब क्योंकि हम सेम क्रूज में वापस आए हैं तो हमें दोबारा से चेक इन करने की जरूरत नहीं थी, हमारे पास ऑलरेडी वो जो पास थे ना बोर्डिंग टिकट्स थे, कार्ड था, उसी को हमने स्कैन किया डोर पर और हम अंदर। और जब हम कल आए थे तो काफ़ी भीड़ थी, लेकिन अब क्योंकि बहुत स्मूथली चेक इन हो रही है तो काफ़ी खाली है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डेस्क भी होती है, आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन डेस्क पर हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे इवेंट से रिलेटेड जो इवेंट होते हैं क्रूज़ के अंदर, और साथ में कभी कभी ना इतना बड़ा क्रूज़ होता है कि कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं कि कहाँ थी, वो भी हम इनसे पूछ सकते हैं। हम आ गए थे वापस अपने रूम पर और अब बताते हैं आपको कि ये जो ट्रिप है वो हमें कितने में पड़ी, उनकी ट्रिप है ये कितने की पड़ी। तो एक्चुअली ये क्योंकि इस समय फिनलैंड में ये समर्स टाइम है, जुलाई अगस्त ये सब समर्स का टाइम होता है, तो थोड़ा रश रहता है। हम लोग इसको मतलब सभी लोग ट्राई करते हैं कि जो फ्राइडे नाइट को वो जाए, सैटरडे को घूमे फिरें और संडे को वापस आ जाए। हम जब इसको फ्राइडे को देख रहे थे तो इसकी कॉस्टिंग 3 लोगों की हमें पड़ रही थी 350 यूरो, राइट। और हम लोग अप्रोक्स कराने वाले भी थे क्योंकि हमें लगा ये सीजन है, मतलब वो है, लेकिन सडनली हमने जब सैटरडे की देखी तो ये हमें 200 यूरो में मिल गए, राइट, मतलब अच्छी डील मिल गई हमें, राइट। लेकिन हाँ, अगर इसको लोग, मुझे लगता है हम अगर इसको 2-3 महीने या मुझे लगता है एक महीने पहले प्लान करते तो हमें ये और ज्यादा कॉस्टली पड़ता, राइट। लेकिन फिर भी मतलब मुझे लगता है कि इमीडिएट बना प्लान, लेकिन बहुत अच्छा रहा, जो रूम की कंडीशन सब चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा। 2 दिन का था, सैटरडे संडे का, तो अगर आप लोग भी ऐसे इंडिया से फिनलैंड आ रहे हैं और अभी नए नए आए हैं तो आप भी ऐसे 2 दिन का ट्रिप बना सकते हैं और स्टॉकहोम घूम सकते हैं आराम से, राइट। इस तरह का ये जो क्रूज वाला ये सफर है, जो केबिन वाला सफर है, बहुत बहुत मतलब बहुत ये मुझे आराम देता है। बस इसी के साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि हेलसिंकी से स्टॉकहोम कैसे जा सकते हैं, सेम डे पे आप रिटर्न कैसे ले सकते हैं। बाकी आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, स्पाइडरमैन आ गया। तो आपसे जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। वेलकम टू हेलसिंकी। Lighting, wow.
कैसा रहा स्वीडन? अच्छा सफर था? कैसा रहा? इधर ही उतर जाएंगे, इधर ही उतर जाएंगे।